शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया कोई काम, प्रदेश की जनता की सुन रहे जीतू पटवारी फरियाद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को बुधनी विधानसभा क्षेत्र में जब निरीक्षण किया तो वहां पटवारी से बुधनी की जनता ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि शिवराज सिंह चौहान के 20 साल मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। जनसंपर्क के दौरान बुधनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के कार्यकर्ता किशोरी लाल ने पटवारी से मुलाकात कर अपनी अत्यंत दयनीय स्थिति बताते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें 8 साल पूर्व आवास देने का वादा किया था, लेकिन आज तक उन्हें आवास नहीं मिला। आज भी वे टूटी झोपड़ी में रह रहे हैं। पटवारी ने किशोरी लाल की स्थिति पर कहा कि वे 8 वर्षों से आवास के इंतजार में है और दिव्यांग बेटी के साथ उनका जीवन यापन बेहद कठिन हो गया है। इसके साथ ही पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान 20 साल मुख्यमंत्री रहे और बुधनी की जनता ने यही सोचकर उन्हें वोट दिए कि यहाँ विकास होगा, लोगों को आवास, नल जल और सड़कें मिलेंगी, किसानों की परेशानी दूर होगी, बच्चों को नौकरी मिलेगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी के लिए कुछ नहीं किया। बुधनी के लोग खुद भाजपा की सच्चाई बयां कर रहे हैं। ये बेहद चिंतनीय और गंभीर स्थिति है। जीतू पटवारी उपचुनाव के चलते कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के पक्ष में मतदान आने के लिए बुधनी के ग्रामीण अंचलों ग्राम शाहगंज में जो है प्रचार करने गए थे। इस दौरान वहां की जनता का शिवराज सिंह चौहान को लेकर गुस्सा फूट पड़ा और शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में क्या कुछ नहीं किया है और क्या कुछ किया है सब जनता ने अपने मुंह से बयां कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जनता खुद शिवराज सिंह चौहान की सच्चाई बता रही है और इससे पता चलता है कि खुद अपने क्षेत्र में 20 साल राज करने के बाद भी अगर अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया तो क्या ही किया।